अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं बैठी हूँ उमर कमाल की बिरयानी खाने के लिए, बट अफसोस मैं लेट हो गई और आइंदा से मैं सोच रही हूँ कि एक्यूरेट टाइम पे पहुँचूँ। हालांकि अभी हार्डली 45 मिनट हुए, यानी इस वक्त हैं 7:40, लेकिन वो कह रहे हैं 60 बॉक्सेस थे और वो ऑन द स्पॉट निकल गए। तो अब देखती हूँ नेक्स्ट टाइम मैं शायद ठीक टाइम पे आऊँ और मुझे बिरयानी खानी नसीब हो जाए। और हमने जो ऑर्डर दिया था वो बन के आ चुका है और अब इसको टेस्ट करना है कि ये देखने में तो बेहद अच्छा लग रहा है, टेस्ट करने में ये कैसा लगता है। और लकीली बिरयानी हमारे लिए आ चुकी है, जो कि पड़ी हुई थी, लेकिन नहीं ये तो लास्ट टाइम हमने ट्राई किया, इस दफा हम लोग ये कबाब और लेटर में ट्राई कर रहे हैं। अच्छा प्लीज मुझसे चर्स का ना पूछिए। नहीं रेसिपी तो हमें चाहिए, रेसिपी आपसे चाहिए। हाँ जी उसी मेनू करो कटवा के दियो। नहीं बहुत टेस्टी आपकी बिरयानी है। और उमर कमाल ने हमारे साथ डिनर में जॉइनिंग दी है। आप भी प्लीज ने आप अपना ही समझें, प्लीज आप अपना ही समझें। और बहुत ज़बरदस्त है, लास्ट टाइम भी हमने इनका यहाँ पे ट्राई किया था, बहुत अच्छा लगा था और अगेन इसीलिए हम आए कि तो हमने सोच लिया कि बस नहीं लमिया एक ही बात है, बस ये बेटी यकीन है, वरना हमने सोच लिया था कि 6 बेटियां होनी चाहिए क्योंकि बेटियां मेक्स फादर प्राउड एंड रिच। आप यकीन जाने हम 3 आई थे तो इवन के जब हम बड़े भी हो गए तो वाले साहब को इतनी वो थी कि कोई एक बेटी अडॉप्ट करे। मेरी 3 बेटियां हुई तो वो लड़कियों को इतना पसंद करते थे, आज हम फील करते हैं माँ बाप। खाना इंतहाई लजीज था और टेस्टी था और अब इरादा है कि दोबारा भी आएंगे। मैंने कहा आप मुझसे 4 मिलियन भी लें ना तो भी मैं एक आना कम नहीं करूँगा, मैं अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। डिस्काउंट वो लोग करते हैं जिसको पता होता है उनका। अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं अगेन आ गई हूँ और साथ साथ इनके ऑर्डर्स भी चल रहे हैं और मैं इनका इंटरव्यू भी ले रही हूँ। 2 मिनट्स यस। अच्छा ऐसा है कि मुझे आप कोई अच्छा सा मैसेज दें लाइफ के बारे में, सक्सेस के बारे में और अपनी ज़िंदगी भर का निचोड़। ज़िंदगी भर का निचोड़ ये है कि जितनी देर आप लगाएंगे अल्लाह से दोस्ती करने की उतनी देर में आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे, तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है अल्लाह से दोस्ती कर लीजिए। और दूसरा नेचर के साथ पंगे ना लें, नेचर के साथ फ्लो में जाएं। नेचर अगर आपकी आजमाइश ले रही है तो यकीनन अगर आपको बैक साइड पे खींच रही है तो उसने बहुत आगे लेके जाना। सेकंडली
ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और जॉब नहीं है, या ये भी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अमीर हैं और आप कारोबार नहीं कर सकते, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ज़रूरी सिर्फ़ एक चीज़ है, हिम्मत और अल्लाह पे कामिल यकीन। तो कामयाबी जो है वो आपके सफ़र आपके पीछे पीछे आएगी। एक्सेलेंस के पीछे दौड़ें। अगर आप एक मैसेज में एक बात करनी है, वन मैसेज फॉर एवरीबडी, एक्सेलेंस के पीछे दौड़ें। लोग, इज्जत, शोहरत और पैसा आपके पीछे दौड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की और मैं आपका मशकूर हूँ कि आप इतना टाइम निकाल के मेरे पास आ जाते हो। आई एम टेरिबली सॉरी, होप यू कैन सी देयर लॉट ऑफ कस्टमर्स जो सिर्फ मेरी वजह से आए हुए हैं। और आपका क्या ख्याल है कि ये सिर्फ मेरी मोहब्बत में आए हुए हैं? नहीं जी, आपके की वजह से आए हैं जो आपने भी अभी इंजॉय किया। आपने हमें एडिक्शन में डाल दी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एडिक्टेड पर्सन उसी के पास जाता है जिसके पास ख़ास किस्म की ड्रग होती है। और आपकी रेसिपी स्पेशल है, ईच एंड एवरी थिंग स्पेशल है, जिसकी वजह से हम आपके पास आए हैं। थैंक यू सो मच। आबाद रहिए और ढेरों ढेर तरक्की कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह से दोस्ती का सबूत ये है कि इनके डेस्क पे, टेबल पे तस्बीह थी। और यहाँ पे फिर ये अगेन बिजी हो गए। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से बारबेक्यू बनना शुरू हो चुके हैं। कुछ कबाब हैं और कुछ चिकन टिक्का, और कुछ और लोग भी आ रहे हैं। और माशाल्लाह से इनके क्लाइंट्स जो हैं वो आते ही जा रहे थे। और जनाब, इस तरफ हो रहा है बारबेक्यू और इस तरफ कबाब बनाए जा रहे हैं। बिहारी कबाब, चिकन कबाब। अच्छा, बिहारी कबाब का। अच्छा, स्पेशल स्पेशल रेसिपी लग रही है इनकी, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मेरा वॉलेट भी ले आना। अच्छा देखिए जी, इनके पास रश है और हर कोई आ रहा है इनके पास जस्ट बिकॉज कि ये क्वालिटी फूड देते हैं, दैट्स वाई। ये देखिए जी, एक और फैमिली आई है, ये भी इनसे मिलने आई है। सब इसी इंतज़ार में हैं कि चलो खाना भी खा लेंगे और थोड़ा फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। और ये इनकी कोई दूसरी रेसिपी है जो ये यूज़ हो रही है। आप इनका मेन्यू कार्ड देखें तो उसमें रंग रंग के बारबेक्यूज़ हैं और यही इनकी स्पेशलिटी है। और इनका जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है, माहिर है, और वो अच्छे तरीके से बनाता है। बिल्कुल भी इन्हें फुर्सत नहीं है और वाकई में अल्लाह का साथ ही होना चाहिए, वही इज्जत देता है, सब कुछ देता है। अच्छा जी, इनका फूड हमने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह दोबारा यहीं आएंगे और एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।